हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यदि पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हो तो उनके चार्ज उनके फेसेस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, है ना। और हमने पिछले क्लास में केवल दो पैरेलल प्लेट्स कंसीडर किया था। आज हम देखेंगे कि मोर देन टू पैरेलल प्लेट्स हो, है ना, और उन पे चार्ज रखा हुआ हो तो उनके सभी फेसेस पे कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि तीन क्या है, देखो ध्यान से एग्जांपल में क्या है कि तीन प्लेट्स आइडेंटिकल प्लेट्स है। क्या है, तीन आइडेंटिकल प्लेट्स दिया हुआ है। इसको हम ए मान लेते हैं, बी, और इसको हम क्या मान लेते हैं, सी, है ना। इस पे चार्ज क्या दिया हुआ है, क्यू वन, इस पे क्यू टू, और क्या है, इस पे क्यू थ्री। क्वेश्चन समझ में आया क्या है कि तीन आइडेंटिकल्स क्या है, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड, यहां क्या करना है, मैं लिख देता हूं, फाइंड चार्जेस on all faces of the plates, है ना। यही क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने दो तीन पॉइंट बताया था जो फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट होगा तो उस पर नेट चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। आई मीन टोटल चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि चार्जेस अपीयर ऑन द फेसिंग सर्फेसेस ऑफ द प्लेट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। आई मीन जो फेसिंग सर्फेसेस होंगे उन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अपीयर होगा वो क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। तीसरा पॉइंट बताया था मैंने कि एक्सट्रीम फेसेस जो होते हैं उन पे चार्ज क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होता है, चार्ज का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। आई मीन चार्ज ऑन एक्सट्रीम फेसेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर, है ना। तो ये तीन पॉइंट्स हैं। और एक चौथा पॉइंट बताया था कि आपको यदि एक्सट्रीम फेसेस पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो मैंने बताया था कि चार्ज ऑन एक्सट्रीम फेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टू। आई मीन सम ऑफ टोटल चार्ज का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज ऑन बोथ द टोटल चार्ज ऑन ऑल प्लेट्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, टू होगा, ठीक है। तो यही तीन चार पॉइंट्स जो हम लोग पहले क्लास, इसके पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं उसी को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो इसको कई तरह से हम सोचेंगे। पहला तो हम क्या कर रहे हैं, मेथड फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि देखो ये फेस क्या है, फेस वन, ये क्या है टू, और ये फेस क्या है थ्री, दिस इज फोर, दिस इज क्या है फाइव, एंड दिस इज सिक्स। तो हमने यहां माना मेथड फर्स्ट में क्या है कि लेट एक्स चार्ज ऑन क्या है, चार्ज ऑन फेस टू, है ना। आई मीन हमने इस फेस पे क्या हुआ, चार्ज एक्स मान लिया तो इस पे क्या होगा, माइनस एक्स होगा। अब इस फेस पे x चार्ज है तो इस पे क्या हो जाएगा, q1 माइनस एक्स, और इस पे क्या हो जाएगा, q2 प्लस एक्स, इस पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, q2 प्लस एक्स, और इस पे क्या हो जाएगा, q3 प्लस q2 प्लस एक्स, है ना। तो हमने क्या किया, हर फेसेस पे चार्ज को x के टर्म में लिख दिया, है ना। अब क्या है, मैंने ये बताया था कि चार्ज ऑन क्या होगा, ठीक है, तो हमने चार्ज मान लिया। अब हम लिखेंगे क्या कि चार्ज
charges on outermost faces must be क्या होगा equal, है ना? That is हम लिख सकते हैं क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए. That is हम लिखेंगे कि charge on क्या होगा face वन इक्वल टू क्या होगा चार्ज ऑन क्या होगा फेस क्या होगा टू सॉरी चार्ज ऑन फेस सिक्स टू नहीं है ना. अब दोनों को देखो क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ठीक है मैंने बताया भी था इसके पहले क्लास में क्यों क्या है कि केवल इसमें अनून क्या है एक्स है. यदि एक्स का वैल्यू अपने को मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं चार्ज सभी फेसेस पे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं. तो एक्सट्रीम फेसेस वन पे क्या है चार्ज क्या है क्यू वन माइनस क्या है क्यू वन माइनस एक्स और एक्सट्रीम फेसेस सिक्स पे चार्ज क्या है क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस एक्स है ना. तो ये क्या हो जाएगा क्यू वन है ना क्या होगा माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एक्स. तो x इक्वल टू क्या हुआ क्यू वन है ना माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री बाई क्या हो गया टू हो गया. x का वैल्यू क्या हुआ मालूम चल गया तो हम आसानी से अब सभी फेसेस पे क्या कर सकते हैं चार्ज लिख सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं क्या होगा चार्ज हम क्या कर सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं है ना. तो ये जो चार्ज होगा ये कितना होगा अब हम फेस अब लिख सकते हैं चार्ज ऑन फेस वन इक्वल टू चार्ज ऑन फेस क्या होगा सिक्स और इक्वल टू जब आप वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्या हो जाएगा क्यू थ्री बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है. तो वन और सिक्स पे ये क्या है चार्ज किस पे है चार्ज ऑन फेस क्या है टू. अब चार्ज ऑन क्या होगा चार्ज ऑन फेस थ्री पे क्या होगा देखो थ्री पे क्या होगा माइनस एक्स होगा. तो हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं माइनस एक्स कितना होगा माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाई कितना हो जाएगा टू हो जाएगा सॉरी बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है. क्या होगा इस पे चार्ज कितना होगा ये अपने को मालूम चल गया कितना होगा इस पे चार्ज होगा वो क्या होगा क्यू टू प्लस क्यू थ्री माइनस क्या हो जाएगा क्यू वन बाई क्या हो जाएगा टू हो गया ठीक है. अब चार्ज किस पे लिख रहा है चार्ज फोर फेस पे लिखना है फोर पे कितना होगा तो फोर पे हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन फेस फोर तो चार्ज ऑन फेस फोर इक्वल टू क्या होगा देखो थ्री पे कितना है इतना है तो फोर फेसेस पे कितने चार्ज होंगे तो हम लिख सकते हैं क्यू टू है ना माइनस ऑफ क्या लिखेंगे क्यू वन प्लस माइनस ऑफ माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाई कितना हो जाएगा टू हो जाएगा. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा टू क्यू टू प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री बाई कितना हो जाएगा टू हो जाएगा. और ये कितना आएगा तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री बाई क्या हो गया टू हो गया है ना. तो फोर फेसेस पे अपने को क्या होगा चार्ज मालूम चल गया. अब हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन फेस क्या होगा फाइव इज इक्वल टू क्या होगा फाइव पे क्या होगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा तो माइनस ऑफ क्या होगा q1 प्लस
Q3 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, Q3 माइनस ऑफ है ना, ठीक है, Q2 प्लस Q1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सभी फेसेस पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फर्स्ट मेथड था है ना। सेकेंड मेथड से हम देखेंगे M2, ठीक है। M2 में क्या है कि हम जानते हैं, सेकेंड मेथड में क्या है कि मैंने ये बताया था, क्या है कि चार्ज चार्जेस ऑन आउटर मोस्ट फेसेस इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होगा। तो अब इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आउटर मोस्ट फेसेस क्या है, 1 और क्या है, 6 है। तो 1 और 6 पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जितने भी क्या है फेसेस हैं सभी पे आप क्या कर सकते हैं, चार्ज आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अपने को मालूम है कि पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर दें। ये क्या है, एक प्लेट हो गया है ना, दूसरा प्लेट ये हमने मान लिया, और तीसरा प्लेट ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये प्लेट क्या हुआ, ए बी सी। अपने को क्या हुआ, इस प्लेट पे आई मीन इस फेस पे चार्ज कितना है ये मालूम चल गया, कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई कितना हुआ, 2 हुआ। और इस फेस पे चार्ज कितना है वो मालूम चल गया, क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई क्या हुआ, 2, ठीक है। अब इस फेस पे कितना चार्ज है उसको अपने को लिखना है। तो ये चार्ज होगा वो कितना होगा, देखो ध्यान से कितना होगा। अब इस पे चार्ज क्या है, Q1 है, इस पे क्या है, Q2 है, और इस पे क्या है, Q3 है। तो इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना होना चाहिए, Q1 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इस पे जो चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। तभी आप देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, Q1 मालूम चल जाएगा। उसी तरह आप ये फेसिंग सर्फेसेस है, देखो ये फेस क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 3 और 4, 5, और इसको हमने क्या माना है, 6। तो अब 3 पे कितना हो जाएगा चार्ज, तो Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इस पे चार्ज अपने को क्या हुआ, मालूम चल गया। अब मुझे किस पे चार्ज लिखना है, फोर फेसेस पे, आई मीन इस पे चार्ज लिखना है ना, इस पे चार्ज लिखना है। तो इस पे टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज का सम कितना होना चाहिए, Q2 होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, Q2 होना चाहिए। तो यदि Q2 से हम इस चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो इसको जब सम करोगे आप तो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और इस पे चार्ज आई मीन फेस 5 पे चार्ज लिखोगे किस पे, इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस मेथड से भी हमने क्या किया, आसानी से क्या किया, चार्ज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अभी इसमें केवल 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, है ना, कि क्या है कि पहला पॉइंट क्या है कि आपको क्या करना है कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है उस पे चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि फेसिंग सरफेसेस पे जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर का होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि एक्सट्रीम फेसेस पे जो चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, सम ऑफ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्या करना है आपको याद रखना है। तो हम नोट में लिख लेंगे और यही हम हमेशा यूज करेंगे इसे, एक एक स्टेप में क्या होगा,
प्रॉब्लम। तो नोट में हम क्या लिखेंगे, देखो कि नोट में ये लिखेंगे, नोट में, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको माइंड में रखना चाहिए कि चार्जेस चार्जेस ऑन आउटर मोस्ट फेसेस मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय, क्या होगा, डिवाइडेड बाय टू। आई मीन हम लिख सकते हैं चार्ज, हम लिख सकते हैं क्यू आउटर मोस्ट सरफेस इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टू। बस ये आपको माइंड में रखना है। कितने भी प्लेट दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, उस पर चार्ज इसको यूज करके। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होगा, टू होगा। ये और इसे हम देखते हैं, जैसे मान लो कि क्या दिया हुआ है, अगेन ये एक प्लेट ये दिया हुआ है, है ना, ये तीन प्लेट दिया हुआ है, ए बी सी, इस पे मान लो कि q चार्ज हुआ, इस पर टू क्यू, और इस पे क्या हुआ, माइनस थ्री क्यू चार्ज, है ना। आपको क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको, फाइंड चार्ज ऑन ऑल फेसेस। तो क्या लिखेंगे, फाइंड चार्जेस ऑन ऑल फेसेस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं कि इस फेस पे चार्ज क्या है, क्यू वन, इस पे क्या है, क्यू टू, इस पे क्या है, क्यू थ्री, इस पे क्या है, क्यू फोर, इस पे क्या है, क्यू फाइव, और यहां क्या है, क्यू सिक्स। हमने क्या किया, सभी फेसेस पे चार्ज क्या किया, लिख दिया, है ना। अब देखो कि हम फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम जानते हैं क्या होगा कि चार्ज, आई मीन सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, आप इसको दूसरे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो तो Q1 इक्वल टू Q6 इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो Q प्लस 2Q माइनस 3Q बाय कितना हो जाएगा, 2, आई मीन क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है, क्या हुआ, 0 हो गया, है ना। अब देखो क्या है, Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या है, Q2 इक्वल टू क्या होगा, Q2 इक्वल टू देखो तो क्या होगा, Q माइनस Q1, Q माइनस क्या हो जाएगा, आई मीन Q माइनस Q1, आई मीन क्या हो जाएगा, Q माइनस जीरो इक्वल टू क्या हो गया, Q। अब Q2 और Q3 क्या है, आई मीन यहां क्या है, देखो तो ये फेसिंग सर्फेसिस के चार्ज हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन जो नेचर होगा वो क्या होगा, अपोजिट नेचर का हो गया। तो हम लिख सकते हैं Q3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस Q, है ना। अब देखो इस पे क्या है, इस पे टोटल चार्ज क्या है, 2Q है, इधर क्या हुआ, माइनस Q हो गया, तो ऑब्वियसली इधर क्या होना चाहिए, 3Q होना चाहिए, तभी इस पे टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा, 2Q के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं कि Q4 इक्वल टू क्या होगा, Q4 इक्वल टू क्या होगा, Q4 इक्वल टू 3Q। तो अब देखो Q4, आई मीन ये फोर फेस और सिक्स फेस पे जो जो है क्या फेसिंग सर्फेसेस हैं, आई मीन सिक्स फोर फेस एंड फाइव फेस जो क्या है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होगा। तो हम लिख सकते हैं Q5 इक्वल टू अगेन क्या होगा, माइनस Q4, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3Q, है ना। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं कि अब तो सभी फेसेस पे क्या हुआ, चार्ज अपने को मालूम चल गया है ना, क्या हुआ, चार्ज अपने को मालूम चल गया है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया, पहले हमने सभी फेसेस पे चार्ज क्या हुआ कंसीडर कर लिया,
और उसके बाद हमने दोनों, पहला क्या है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक्सट्रीम फेसेस पे जो चार्जेज हैं उसको आसानी से क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। और फिर क्या किया कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट होंगे तो उन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, उस कॉन्सेप्ट को यूज किया। और लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि फेसिंग जो सर्फेसेस होंगे उन पे इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर का क्या होगा, चार्ज होगा, उसको यूज किया। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, या है ना, क्या लिख सकते हैं, एक जगह हम ऐसे टेबल बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि Q1 क्या हुआ, Q1 इक्वल टू Q6 इक्वल टू 0, Q2 इक्वल टू Q, Q3 इक्वल टू क्या हुआ, -Q, Q4 इक्वल टू क्या हुआ, 3Q, एंड Q5 इक्वल टू क्या हुआ, -3Q। तो ये सभी फेसेस पे चार्ज जो है वो क्या हुआ, मालूम चल गया। ठीक है, चलो एक और सम देखते हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए। अब यहां क्या है, एक फेस है ना, देखो क्या है, यहां हम चार कंडक्टर कंसीडर कर ले, कंडक्टिंग प्लेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें चलो हमने क्या, क्यू -3Q और इस पे 4Q चार्ज रखती है। ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेट ये है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी फेसेस पे अगेन क्या करना है, सभी फेसेस पे क्या क्वेश्चन क्या, फाइंड द चार्जेस ऑन ऑल द फेसेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स, है ना। आपको क्या करना है, सभी फेसेस हैं तो इसमें इसको अगेन हम मान लेते हैं कि ये क्या होगा, वन फेस, ए टू, ए थ्री, ये क्या होगा, फोर, ए वाला जो फेस 5, 6, 7, और ये क्या हुआ, 8। तो आप ठीक है, ये आपको समझ में आया, हमने फेसेस कंसीडर कर लिया है ना। अब क्या करना है आपको, डायरेक्ट हम यही लिख लेंगे, एक स्टेप में आंसर लिखेंगे कि आउटर मोस्ट फेसेस के, आई मीन इस पे जो चार्ज होगा इस पे वो क्या होगा, सम ऑफ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2। तो चार्ज क्या है, क्यू -3Q, और प्लस क्या है, यहां लिखेंगे इस स्पेस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 4Q, है ना, -3Q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2। आई मीन ये कितना हो जाएगा, क्यू चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी कितना होगा, सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, इस पे भी क्या होगा, क्यू चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो इस पे क्या है, क्यू चार्ज है ना, इस पे क्या है, क्यू चार्ज मालूम चल गया, और इस प्लेट पे टोटल चार्ज क्या, क्यू है, तो ऑफकोर्स इधर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो चार्ज होगा। अब ये इधर जीरो होगा तो इधर भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो यहां भी क्या होगा, जीरो होगा, इधर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -3Q चार्ज, तो इधर क्या हो जाएगा, +3Q चार्ज। अगेन आप देखो इस पे +3Q और क्या हुआ, क्यू ऐड करोगे तो कितना मिल गया, 4Q चार्ज हो गया। समझ में आया, तो देखो एक एक स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, चार्ज दोनों एक्सट्रीम पे, चार्ज सभी फेसेस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक ही पॉइंट याद रखना है कि दोनों एक्सट्रीम फेसेस पे, है ना, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। इसमें और कई तरह से प्रॉब्लम होते हैं कि नहीं, किसी एक प्लेट को हम क्या कर दिए, ग्राउंड कर दिए, या दो प्लेट को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, लेकिन वो उस टाइप का प्रॉब्लम जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ जाएंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आया, उसके बाद आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और इस पे, है ना, कि इससे बेस्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो इसे देखो, ठीक है, ये प्लेट ए है, बी है और सी है,
ये फेस क्या है वन, ये फेस क्या है टू, थ्री, फोर, फाइव और ये क्या है सिक्स। इस पे हमने मान लिया चार्ज क्या है क्यू, फाइव क्यू और ये क्या है चलो सिक्स क्यू मान लेते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, अगेन क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, फाइंड द चार्जेस ऑन ऑल द फेसेस ऑफ द प्लेट्स। क्या करना है, फाइंड चार्जेस ऑन ऑल द फेसेस ऑफ द प्लेट। तो ये देखो, तो यहां चार्ज क्या होगा एकदम इस फेस पे क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई क्या होगा टू, तो सिक्स क्यू प्लस फाइव क्यू प्लस क्यू आई मीन ट्वेल्व। यहां जो चार्ज होगा इस पे क्या होगा ट्वेल्व क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा टू हो जाएगा, आई मीन कितना हो जाएगा सिक्स क्यू हो जाएगा। तो अगेन इस पे चार्ज कितना होगा जीरो, ठीक है, क्योंकि इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए सिक्स क्यू होना चाहिए। यहाँ जीरो होगा तो यहाँ भी क्या होगा जीरो हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा फाइव क्यू चार्ज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस फाइव क्यू हो जाएगा। अब इधर माइनस फाइव क्यू हुआ, इधर क्या है क्यू, इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए क्यू होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इस पे क्या होना चाहिए सिक्स क्यू चार्ज होना चाहिए। तो देखो ऑल फेसेस पे चार्ज क्या हुआ मालूम चल गया अपने को, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि यदि पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, है ना, तो उनके फेसेस पे चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि नहीं यदि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। यदि दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स रखा हुआ है, दोनों पे मान लो कि एक पे चार्ज क्या है क्यू वन है, दूसरे पे क्या है क्यू टू है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो अभी एग्जांपल्स मैं लिखता हूं, है ना, टू टू कंडक्टिंग प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। क्या है ए बी सी, तीन पॉइंट्स पे क्या है। अब देखो फिगर क्या है, मैं यहां डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, इधर ही ड्रॉ कर देता हूं, है ना। देखो क्या है, ये दो प्लेट्स दिए हुए हैं, है ना, आइडेंटिकल प्लेट है, है ना। ये क्या है ए और दूसरा क्या है बी, है ना। इस पे जो चार्ज है ना, इस पे हम बोल सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है सिग्मा, और एक पे क्या है आई मीन सिग्मा सिग्मा और इस पे क्या है माइनस सिग्मा, ठीक है। तो चलो इसको हम ये मान लेते हैं पी एंड क्यू प्लेट मान लेते हैं। अब देखो रीजन क्या है, एक ई पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक क्या है सी पॉइंट है। तीनों पॉइंट पे क्या करना है अपने को, क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है कैलकुलेट करना है, है ना। तो यहां मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूं, इधर वाई एक्सिस और इधर क्या एक्स एक्सिस, ठीक है। यही क्या है क्वेश्चन है, ये समझ में आया आपको कि दो प्लेट्स दिए हुए हैं, एक पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा, दूसरे पे क्या है प्लस सिग्मा और दूसरे प्लेट पे क्या है माइनस सिग्मा है। तो तीन रीजन दिए हुए हैं, आई मीन ऐसे बोल सकते हो क्या है
कि एक प्लेट पी क्यू, पी से क्या है लेफ्ट, पी क्यू के बीच, और क्यू से क्या है राइट। तीन रीजन दिए हुए, उसमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए बी एंड सी। उस पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना है। आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आर पे भी फील्ड निकालो, यहाँ कोई पॉइंट इस आई मीन इस कंडक्टर कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी, अब देखो आप इसको दो तरह से सोच सकते हो। आप क्या करो कि इस प्लेट के पे जो चार्ज होगा उसके द्वारा, इस फेस पे जो चार्ज होगा उसके द्वारा फील्ड लिखो, फिर इस पे इसके द्वारा फील्ड लिखो, फिर सभी फेस के द्वारा अलग अलग लिख करके क्या करो, ऐड करो। उससे बेटर क्या है कि हम जानते हैं कि किसी भी एक कंडक्टिंग प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन क्या होता है, इप्सिलन जीरो होता है। क्या होता है, सिग्मा अपॉन इप्सिलन जीरो होता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले यही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज गिवन एज, देखो ई इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो। बस यही फॉर्मूला आपने को क्या करना है, यूज करना है। आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर की तरह क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे लिखें, देखो तो ई पे यदि हम लिखेंगे तो चलो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसके द्वारा ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस प्लेट के द्वारा किधर होगा, लेफ्ट में होगा। तो देखो इधर यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम क्या कंसीडर करते हैं, आई कैप, तो निगेटिव कैप, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, माइनस आई कैप होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अब देखो फील्ड कितने होंगे, दो होंगे, तो पहले हम लिखते हैं कि ई पी प्लस क्या लिख देते हैं, ई क्यू, आई मीन हम क्या लिख रहे हैं कि ये लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट पी, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट क्यू। अब देखो ईपी आई मीन पी प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट पे होगा वो क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के लोगा, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो इंटू क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। इस प्लेट क्यू पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ई पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन क्या होगा, इप्सिलॉन जीरो इंटू क्या होगा, आई कैप। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो है ना, प्लस सिग्मा अपॉन क्या होगा, इप्सिलॉन जीरो इंटू क्या होगा, आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे अगेन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट पी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट क्यू है ना। अब देखो बी पॉइंट पे इस प्लेट के द्वारा आप ऐसे सोचोगे कि यही क्या है, प्लेट है ना, और यहां मुझे, अब मैंने ये बताया था उस दिन कि कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट। अब परपेंडिकुलर दो तरह से हो सकता है, एक क्या हो सकता है, परपेंडिकुलरली क्या होगा, आउटवर्ड होगा आई मीन टुवर्ड्स द प्लेट, और क्या होगा, अवे फ्रॉम द प्लेट। तो जब चार्ज इस पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द प्लेट होगा। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक
पी प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो होगा, और ये क्या होगा इधर होगा प्लस आई कैप। आई मीन इधर आप यदि इस पॉइंट पे यहां देखेंगे तो ई क्या हो गया, ई पी का डायरेक्शन हो गया, और ई क्यू का भी डायरेक्शन आप देखेंगे इधर तो ई क्यू का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो प्लस हम क्या लिखेंगे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो क्या होगा आई कैप, तो लिख सकते हैं टू सिग्मा अपॉन क्या हो गया इप्सिलॉन जीरो क्या हो गया आई कैप। आई मीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, या यू बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द रीजन ऑफ बोथ द प्लेट्स विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो यहां कहीं भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा टू सिग्मा अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन जीरो होगा। ठीक है, अब कौन सा एक रीजन है, थर्ड रीजन है। ठीक है, क्या है थर्ड रीजन दिया हुआ है, क्या है सी पॉइंट पे है ना, तो अब हम लिख सकते हैं अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट पी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन क्यू। अब देखो सी पॉइंट पे ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, यदि चार्ज निगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द प्लेट और चार्ज पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम द प्लेट, तो ये क्या हो जाएगा ई क्यू। और यदि आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा ईपी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी जो है पी प्लेट के द्वारा क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और क्यू प्लेट के द्वारा क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि EC is equal to, देखो P का डायरेक्शन कितना किधर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू आई कैप माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा EC is equal to क्या होगा जीरो होगा। तो हम लोगों ने देखा कि तीनों रीजन में आई मीन ए बी आई मीन तीनों पॉइंट्स पे या यू बोल सकते हैं तीनों रीजन में, तो दोनों आई मीन रीजन लेफ्ट टू द सॉरी राइट टू द क्या होगा क्यू प्लेट एंड रीजन लेफ्ट टू द क्या होगा पी प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, लेकिन रीजन बिटवीन क्या होगा बोथ द प्लेट्स क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा सिग्मा अपॉन क्या होगा टू सिग्मा अपॉन क्या होगा इप्सिलन जीरो होगा। तो हम यहाँ तीनों रिजल्ट को एक साथ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू जीरो ई सी इक्वल टू क्या होगा जीरो एंड क्या होगा ई बी इक्वल टू क्या होगा टू सिग्मा अपॉन क्या होगा इप्सिलन जीरो इंटू आई कैप। ये क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है। ठीक है, एक और हम सम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, उसी तरह क्या कर रहे हैं, यदि मोर देन वन भी प्लेट होगा तो सभी प्लेट के द्वारा हम क्या करेंगे अलग अलग फील्ड लिख करके और वेक्टोरियली क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अपने को मालूम चल जाएगा, है ना। तो फाइंड क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सोन रीजन रीजन वन टू एंड थ्री। ठीक है, देखो क्या है, सिंपल मैंने लिख दिया क्वेश्चंस, एक कंडक्टिंग प्लेट ये है, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट क्या है ये है ना। ठीक है,
इस पे हमने मान लिया कि इस पे क्या है प्लस 2 सिग्मा चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, इस पे क्या है अगेन प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। रीजन 1 हमने इसको माना है, इसको रीजन 2 और इसको रीजन 3, ठीक है। इन तीनों रीजन में अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिखेंगे कि चलो हम रीजन 1 में हम एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या है ये पॉइंट क्या है बी और ये पॉइंट क्या है सी, हमने जनरल पॉइंट कंसिडर कर लिया। रीजन 1 में हमने एक पॉइंट मान लिया ये, रीजन 2 में हमने एक पॉइंट डी कंसिडर कर लिया और रीजन 3 में हमने क्या किया एक पॉइंट सी कंसिडर कर लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे दोनों प्लेट्स के द्वारा, है ना, हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट पे क्या करेंगे लिखेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं, चलो हम लिखें क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अगेन देखो क्या करेंगे हम, जब भी हम लिखेंगे तो क्या करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेंगे, ठीक है। तो सिग्मा ए इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या आपको लग रहा है तो आप इस प्लेट को पी कंसीडर कर लो और इस प्लेट को क्या करो क्यू कंसीडर कर लो, तो हम लिख सकते हैं ई पी और क्या लिख सकते हैं ई क्यू। अगेन देखो ये पॉइंट पे देखो ई पी का जो डायरेक्शन होगा, ये देखो पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ई पी का डायरेक्शन क्या होगा इधर होगा और ई क्यू का डायरेक्शन किधर होगा इधर ही होगा, ठीक है। ई क्यू का भी डायरेक्शन क्या होगा इधर ही होगा, है ना, किधर होगा आई मीन दोनों का जो डायरेक्शन हो क्या होगा सेम होगा और किधर होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं सिग्मा आई मीन इस पे चार्ज क्या है 2 सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0 माइनस आई कैप, फिर माइनस सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0 क्या हो गया माइनस आई कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस 3 सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0 क्या होगा आई कैप, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कोई पूछे कि ए पॉइंट पे किधर होगा तो किधर होगा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट पी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट क्यू। अब देखो यहां देखोगे तो अगेन इस पॉइंट पे दोनों पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लेट से क्या होगा अवे होगा आई मीन इस पॉइंट पे P का जो वैल्यू आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट P का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा टुवर्ड्स राइट, और इधर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा इस रीजन में क्या होगा Q प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। आई मीन क्या होगा ऑलवेज याद रखना है कि यदि क्या होगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगा तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अवे होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा टुवर्ड्स होगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं EP is equal to क्या होगा अगेन 2 सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0 आई कैप माइनस क्या होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0 क्या होगा आई कैप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0 आई कैप। अगेन देखो रीजन B में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या है कॉन्स्टेंट है ना, और वो कितना है सिग्मा अपॉन इप्सिलन 0 के इक्वल है, और बी रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कोई पूछे तो किधर होगा टुवर्ड्स किधर होगा राइट आई मीन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अब यदि सी पॉइंट में कोई पूछे आई मीन रीजन 3 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इक्वल टू क्या होगा अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट पी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन क्यू, तो पी प्लेट पे अब देखो अगेन क्या होगा दोनों प्लस है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ईपी का भी डायरेक्शन क्या होगा पी प्लेट से अवे होगा और
EQ का भी डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, P प्लेट से क्या होगा, सॉरी Q प्लेट से क्या होगा, आवे होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि 2 सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 i कैप प्लस सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 i कैप, आई मीन कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा अपॉन क्या होगा, इप्सिलॉन 0 i कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 भी अपने को मालूम चल गया। एक चीज ये यहाँ एक बात ध्यान देना चाहिए अपने को कि तीनों रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई भी चार्ज को आप यदि रिलीज कर दोगे किस तीनों रीजन में, किसी भी एक रीजन में, तो उस पे फोर्स जो होगा वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। और फोर्स कॉन्स्टेंट होगा तो एक्सीलेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब एक्सीलेशन कांस्टेंट होता है तो हम जानते हैं कि थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यदि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और कुछ भी यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि उस टाइप का प्रॉब्लम्स हो तो हम आसानी से काइनेमेटिकल थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में, आई मीन कल जो लेक्चर होगा उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, क्या पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और हम ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो उसके बारे में वही कॉन्सेप्ट है, केवल क्या है, यहाँ हम चार्ज से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन में जो हमने पढ़ा था वो क्या है, मास से रिलेटेड चीजें पढ़ा था, है ना। तो दोनों सिमिलर है। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।